हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मावे की गुंजिया। मावे की गुंजिया होली पर ही बनाई जाती हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको मशीन से और बिना मशीन से मावे की गुंजिया बनाना बताएंगे। फ्रेंड्स, मावे की गुंजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मावा लिया है, ये मैंने सेक के रखा हुआ है। इसके लिए आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता बारीक पीस लिए हैं। अगर आप चाहें तो बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। नारियल का बुरादा, आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी, इलायची के दाने और थोड़ी सी सैफ्रन की पत्तियाँ, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मावे को किसी बड़े बाउल में डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आप इसमें चाहें तो चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं, नारियल पाउडर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, इलायची के दाने, सैफ्रन लीव्स, मैं 4-5 लीव्स डाल रही हूँ मसल के एकदम बारीक करके इसको। और हम यहाँ 2 चम्मच पिसी हुई चीनी इसमें डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1/2 चम्मच या 1 चम्मच चीनी और ऐड कर सकते हैं। अब इसको सबको अच्छे से मिला लेंगे हम, बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। गुंजिया का मसाला हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गया है। गुंजिया बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए। मैंने 1 कटोरी मैदा लगा के रखी हुई है। मैंने आपको मैदा लगाने का तरीका मीठी मठरी में बताया था, सेम उसी प्रोसीजर से मैंने यहाँ मैदा लगा करके 10 मिनट के लिए ढक के रख दी थी। अब हम इसको सही कर लेंगे और इसको हम छोटे छोटे लोई बना करके और बेल लेंगे। मैदा को सही कर लिया है, अब हम इसमें से छोटे छोटे पीस लेंगे, इस तरह जैसे रोटी की हम लोई बनाते हैं उस तरीके से हमें छोटा छोटा लेना है और इसकी लोई बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी लोई बना लेंगे। हमने छोटी छोटी लोई बना के तैयार कर ली हैं, अब हम पूड़ी बना लेंगे इसकी। एकदम पतला पतला बेलना है हमें। देखिए, मैंने एकदम पतली बेल ली है। हमें चम्मच की सहायता से इसमें इस तरह से मसाला भर देना है। थोड़ा सा पानी का हाथ लगा देंगे इस पे, आप उंगली से भी इसको किनारों को गीला कर सकते हैं। ये देखिए, फोल्ड कर देंगे और अच्छे से इसको चिपका देंगे। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको चिपका लिया है। ये गुंजिया बनाने का सांचा है, इससे हम गुंजिया बना लेंगे। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो मैं आपको बिना सांचे के भी गुंजिया बनाना बताऊंगी। इसको बंद किया हमने, इस तरह से इसको टाइट करके दबा देंगे। एक्स्ट्रा मैदा को हटा देंगे, ये देखिए मैंने हटा दिया एक्स्ट्रा मैदा। और धीरे से इसको खोल लेंगे, ये देखिए। देखिए, मैंने गुंजिया बना ली है। अब हम इसको कपड़े के अंदर रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। मैंने यहाँ कपड़ा बिछाया हुआ है, इसके अंदर आप इस तरह से रख दीजिए, ढक दीजिए ताकि ये सूखे नहीं।
अब हम वापस से आपको बताएंगे, पूड़ी बना लेंगे पतली। अब हम पूड़ी को इस तरह से हाथ पे ले लेंगे, मसाला भर लेंगे, गीला हाथ लगा देंगे, फोल्ड कर देंगे, अब मैं आपको बिना मशीन के गुंजिया बनाना बता रही हूँ। देखिए मैंने फोल्ड कर दी है, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे हमें फोल्ड करते जाना है इसको छोटा छोटा। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बिना मशीन के गुंजिया तैयार कर दी है। इसी तरह से हम सारी गुंजियाओं को तैयार कर लेंगे। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने मसाला इसमें फिल कर लिया है, इसको यहां से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से हम, और इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स गुंजिया तैयार है, हम बाकी की सारी गुंजियाओं को इसी तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने गुंजिया तैयार कर ली हैं, और कढ़ाई में अब हम घी गरम होने के लिए रख देंगे। आप घी में तलना चाहें घी में तल लें, आप रिफाइंड ऑयल में तलना चाहें रिफाइंड ऑयल में तल लें। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में घी गरम होने के लिए रख दिया है। घी गरम हो चुका है, हम गुंजिया डाल देंगे। फ्रेंड्स हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, नहीं तो गुंजिया जल जाएंगी। अब मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे हमें सिकने देना है। गुंजिया बहुत अच्छे से सिक गई हैं, अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने गुंजिया तल ली हैं। फ्रेंड्स हमने बिना मशीन के और मशीन से गुंजिया बना करके आज आपको बताई हैं, तो आप बनाइए टेस्ट कीजिए और हमें बताइए आज की हमारी मावे की गुंजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।